हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डिनोवो सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स। हमारा न्यू टॉपिक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डिनोवो सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड पाथवे होता क्या है और क्यों होता है हमारी बॉडी में। तो क्या होता है, कई बार हम डाइट में अधिक मात्रा में अमाइनो एसिड्स या फिर कार्बोहाइड्रेट का सेवन कर लेते हैं, जिससे हमारी बॉडी में प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइज होने के बाद एक्सेस अमाउंट में बच जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में वो जो एक्सेस अमाउंट में अमाइनो एसिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में है, उसका काइमे कन्वर्जन हो जाता है, फैटी एसिड्स में कन्वर्जन हो जाता है। और अमाइनो एसिड एंड कार्बोहाइड्रेट से जब फैटी एसिड बनते हैं, तो उस प्रक्रिया के लिए हमें एक पाथवे का यूज़ करना पड़ता है, और वही पाथवे हमारा क्या है, डिनोवो सिंथेसिस है। इसको एक शॉर्ट ब्रीफ में देख लेते हैं अपन। हमारी डाइट में क्या ज़्यादा हो गया है, अमाइनो एसिड्स हैं या फिर कार्बोहाइड्रेट्स हैं। जब बॉडी में ये ज़्यादा हो जाते हैं, अमाइनो एसिड्स या कार्बोहाइड्रेट्स, तो इनका कन्वर्जन कर दिया जाता है किसमें, फैटी एसिड्स में। फैटी एसिड्स बन जाते हैं, फिर क्या होता है, ये फ्री फैटी एसिड्स जो बन गए हैं, ये जुड़ जाते हैं अल्कोहल के साथ। जब फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल आपस में जुड़ते हैं, तो बनता है क्या, ट्राई असाइल ग्लिसरॉल या ट्राई ग्लिसराइड्स बनते हैं। यही ट्राई ग्लिसरॉल्स जो होते हैं हमारे, ये स्टोर्ड हो जाते हैं बॉडी में, स्टोर्ड इन बॉडी एज एडिपोज टिश्यू। तो इस तरह से यहाँ पर जो हमारा फैटी एसिड बना है, तो ये फैटी एसिड किससे बन रहा है, अमाइनो एसिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स से। तो यहाँ फैटी एसिड जिस प्रोसेस से बन रहा है, उस पाथवे को हम बोलते हैं डिनोवो सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स। अब हम बात करते हैं साइट की, कि यह कहाँ पर पाया जाता है। तो बॉडी की बात करें, तो यह हमारे बॉडी में लीवर में पाया जाता है, किडनी में पाया जाता है, उसके अलावा एडिपोज टिश्यूज में पाया जाता है। उसी के साथ जो हमारी लैक्टेटिंग मैमरी ग्लैंड्स होती हैं, वहाँ भी यह प्रक्रिया पाई जाती है। अगर हम साइट इन सेल की बात करें, साइट इन सेल, तो सेल में यह पाया जाता है साइटोसोल में। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। तो रिक्वायरमेंट्स पर अगर चर्चा करें, तो हम पाते हैं कि हमें सबसे पहले चाहिए एसिटाइल कोएंजाइम। ठीक है, अब एसिटाइल कोएंजाइम कहाँ से आएगा, तो वही जो हमारे अमाइनो एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड्स और जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये दोनों क्या बनाएंगे, पहले एसिटाइल कोएंजाइम बनाएंगे। और ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है, यही क्या बनाएगा आगे जाके, फैटी एसिड्स बनाएगा। तो अमाइनो एसिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट क्या बनाते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम बनाते हैं, और वही एसिटाइल कोएंजाइम का हम यूज़ कर लेते हैं डिनोवो सिंथेसिस में। दूसरी चीज़ हमें चाहिए होती है NADPH एंड ATP। तो इतनी सारी चीज़ों की हमें क्या रहेगी, रिक्वायरमेंट रहेगी। अब आगे हम बात करते हैं प्रोसेस की, कि डिनोवो सिंथेसिस की प्रक्रिया की प्रोसेस क्या होती है। तो प्रोसेस हमारी तीन चरणों में पूरी होती है। पहला स्टेप रहता है हमारा ट्रांसफर ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया टू साइटोसोल। जो हमारा एसिटाइल कोएंजाइम है, वो कहाँ पर बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। ये क्रेब्स साइकिल का एक पार्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम। और चूंकि हमें इसका यूज़ किस लिए करना है, फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए करना है, और फैटी एसिड सिंथेसिस की प्रोसेस हमारी सेल में कहाँ पाई जाती है, साइटोसोल में पाई जाती है। तो हमें एसिटाइल कोएंजाइम को माइटोकॉन्ड्रिया से कहाँ लाना है, पहले साइटोसोल में लाना है।
सेकेंड होता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ मेलोनाइल कोएंजाइम, ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, इसमें हम मेलोनाइल कोएंजाइम का फॉर्मेशन करते हैं। और थर्ड है हमारा रिएक्शंस ऑफ फैटी एसिड सिंथेटेस कॉम्प्लेक्स एंजाइम्स। पहले क्या बनाया हमने, एसिटाइल कोएंजाइम हो गया हमारे पास, फिर मेलोनाइल कोएंजाइम भी हो गया। अब इन दोनों पर जो रिएक्शंस होगी वो एंजाइम्स के थ्रू होगी, और डिनोवो सिंथेसिस की प्रोसेस में जो एंजाइम यहाँ पर हम यूटिलाइज करेंगे वो एंजाइम्स एक कॉम्प्लेक्स होते हैं। बहुत सारे जो एंजाइम हैं आपस में जुड़े हुए कॉम्प्लेक्स बना के रहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स एंजाइम। अब हम देखते हैं कि फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स एंजाइम कौन कौन से हैं, उनका नाम देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 7 एंजाइम्स हैं जो क्या काम करते हैं, फैटी एसिड सिंथेसिस की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। पहला है यहाँ पर हमारा एसिटाइल कोएंजाइम एसीपी ट्रांस एसिटाइलेज। यहाँ पर एसीपी का फुल फॉर्म है असाइल करियर प्रोटीन। एसीपी एक प्रकार का प्रोटीन है जो फैटी एसिड को का करियर की तरह काम करता है, उसको कैरी करके रखता है। तो पहला ही एंजाइम है असाइल एसिटाइल कोएंजाइम एसीपी ट्रांस एसिटाइलेज। सेकेंड है मेलोनाइल कोएंजाइम एसीपी ट्रांस एसिटाइलेज। थर्ड है हमारा कीटो असाइल एसीपी सिंथेस। फोर्थ है बीटा कीटो असाइल एसीपी रिडक्टेज। फिफ्थ है हमारा बीटा हाइड्रोक्सिल असाइल एसीपी डिहाइड्रेटेज। सिक्स्थ है इनॉइल एसीपी रिडक्टेज एंड सेवेंथ है असाइल थियोएस्टरेज। तो इस तरह से हमारे पास टोटल होते हैं 7 एंजाइम्स। और उसी के साथ एक और चीज़ होती है इस कॉम्प्लेक्स में जिसका नाम है एसीपी। एसीपी कोई एंजाइम नहीं है, ये एसीपी क्या है, एक प्रोटीन है, और ये यहाँ पर हमारे फैटी एसिड को कैरी करने का काम करता है। हम इसको आगे जब पढ़ेंगे तो हमारे स्ट्रक्चर में एसीपी कैसे दिखेगा मैं आपको बता देती हूँ। इस तरह से एसीपी है हमारा, और इसके एक एंड पर जुड़ा होता है सिस्टीन अमाइनो एसिड्स। तो ये एसीपी और सिस्टीन के साथ SH ग्रुप भी जुड़ा हुआ होता है। इसी पर आकर एसिटाइल कोएंजाइम जुड़ता है, इसी पे आकर मेलोनाइल कोएंजाइम जुड़ता है। तो ये कैरियर की तरह काम करता है। जब आगे हम रिएक्शंस देखेंगे तब आपको इसका रोल भी समझ में आ जाएगा। अभी हम आगे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं हम रिएक्शंस को। तो फर्स्ट रिएक्शन सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट स्टेप या फर्स्ट रिएक्शन क्या है हमारी, ट्रांसपोर्ट या ट्रांसफर ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम टू साइटोसोल। कहाँ पर भेज रहे हैं हम एसिटाइल कोएंजाइम को, साइटोसोल में भेज रहे हैं। अभी वो कहाँ पर है, माइटोकॉन्ड्रिया में है। अब चूंकि क्या होता है, अगर चलिए अपन ऐसे देखते हैं, ये एक बॉक्स है और ये बॉक्स का नाम मैंने रख दिया माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में अगर हम बात करें तो पाइरूवेट, अमाइनो एसिड एंड फैटी एसिड, मतलब फैट प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, तीनों से क्या बनता है, आगे चल के एक ही प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम क्या है, एसिटाइल कोएंजाइम। ठीक है, तो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में पाइरूवेट हो मतलब कार्बोहाइड्रेट हो, अमाइनो एसिड मतलब प्रोटीन हो, या फैटी एसिड फैट्स हो, ये तीनों किस रूप में जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, एसिटाइल कोएंजाइम के रूप में जाते हैं।
अब चूंकि हमें ये एसिटाइल कोएंजाइम कहाँ चाहिए, साइटोसोल में चाहिए, अभी ये कहाँ है, माइटोकॉन्ड्रिया में है, तो क्या होगा, यहाँ पर एक हमारा जो एसिटाइल कोएंजाइम है इससे हमारा एक सब्सटेंस आके जुड़ेगा जिसका नाम है ऑक्सेलो एसिटेट। ऑक्सेलो एसिटेट इसके साथ जुड़ेगा और इस पर एक एंजाइम रिएक्शन करेगा जिसका नाम है साइट्रेट सिंथेज। ये क्रेब साइकिल का ही एंजाइम है हमारा और इस रिएक्शन में को एंजाइम SH बाहर हो जाएगा, साइट्रेट सिंथेज इस क्रिया को कराएगा और प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा साइट्रेट। ठीक है, मतलब एसिटाइल कोएंजाइम किसके साथ जुड़ गया, ऑक्सिलो एसिटेट के साथ जुड़ा पहले और साइट्रेट सिंथेस एंजाइम ने इन दोनों को जोड़ के क्या बना दिया, साइट्रेट, और कोएंजाइम को क्या कर दिया, बाहर। अब जो साइट्रेट है हमारा ये यहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, साइटोसोल में पहुँच जाएगा, ये हमारा साइटोसोल वाला पार्ट है। अब हमारा साइट्रेट कहाँ आ गया है, साइटोसोल में आ गया है। अब क्या होगा, एक एंजाइम है हमारा जिसका नाम है लाइज, ये लाइज एंजाइम क्या करेगा, इसमें फिर से को एंजाइम को जोड़ेगा पहले, तो को एंजाइम जब जुड़ेगा तो चूंकि जिस तरह से हमने देखा था कि एसिटाइल को एंजाइम एंड ऑक्सिलो एसिटेट से मिलके क्या बना था, साइट्रेट, जब साइट्रेट टूटेगा तो साइट्रेट क्या बनाएगा, वही को एंजाइम भी जुड़ गया है तो एक प्रोडक्ट है, तो वो क्या बना देगा, एसिटाइल को एंजाइम, और दूसरा प्रोडक्ट बनाएगा ऑक्सिलो एसिटेट। ठीक है, ये जो ऑक्सिलो एसिटेट बना है ये तो आगे चले जाएगा, मैलेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम द्वारा क्या बना लेगा, ये मैलेट बना लेगा, है ना। फिर आगे की एक और रिएक्शन होगी और उसमें ये जो है पाइरूवेट में कन्वर्ट हो जाएगा और पाइरूवेट से ये फाइनली ग्लूकोज बना लेगा, मतलब ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस में भाग ले लेगा ऑक्सिलो एसिटेट हमारा जो है, तो फाइनली क्या बना लेगा, ग्लूकोज। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, हमें ग्लूकोज का फॉर्मेशन तो पढ़ना नहीं है, हम क्या पढ़ रहे हैं, फैटी एसिड का फॉर्मेशन। तो यहाँ से जो हमारे साइट्रेट में कोएंजाइम जुड़ा था और ये जो बन गया था एसिटाइल कोएंजाइम, ये एसिटाइल कोएंजाइम कहाँ बना है, साइटोसोल में बना है और यही किस में यूज़ किया जाएगा, फैटी एसिड सिंथेसिस में। तो इस तरह से ये प्रक्रिया होती है, जो एसिटाइल कोएंजाइम है उसको साइटोसोल में आना है, साइटोसोल में आने के लिए वो साइट्रेट में कन्वर्ट होता है और फिर साइट्रेट वापस से टूट के ऑक्सिलो एसिटेट एंड एसिटाइल कोएंजाइम बनाता है। यही एसिटाइल कोएंजाइम का यूज़ हम कहाँ करेंगे, हमारी फैटी एसिड सिंथेसिस की प्रोसेस में करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम चलते हैं, सेकेंड है हमारा फॉर्मेशन ऑफ मेलोनाइल कोएंजाइम। ठीक है, तो हम देखते हैं मेलोनाइल कोएंजाइम कैसे बनता है। मेलोनाइल कोएंजाइम का फॉर्मेशन भी एसिटाइल कोएंजाइम से ही होगा, कैसे होगा, तो यहाँ एक एंजाइम है जो इस रिएक्शन को कैटेलाइज कराएगा। सबसे पहले हम एसिटाइल कोएंजाइम का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O और कोएंजाइम जोड़ देते हैं हम इसके साथ, ये क्या है हमारा एसिटाइल कोएंजाइम है। अब इस एसिटाइल कोएंजाइम पर एक एंजाइम रिएक्शन करेगा जिसका नाम है एसिटाइल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज। ये जो कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है यह क्या करता है, CO2 को जोड़ने का काम करता है। इस प्रक्रिया में ATP का कन्वर्जन हो जाएगा ADP में, ठीक है, और प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा मेलोनाइल कोएंजाइम। मेलोनाइल कोएंजाइम का स्ट्रक्चर देखते हैं कैसा होता है, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का COO आके जुड़ेगा और एक H हम पास वाले CH3 में से ले लेंगे तो ये CH2 हो जाएगा, C OH कोएंजाइम। तो इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर हमारा बना है, यहाँ पर जो
सी डबल ओ है ये कार्बोहाइड्रेट से आया CO2। एच हमने यहाँ से ले लिया जो CH3 था हमारा, यहाँ से एक एच ले लिया तो ये हो गया CH2, सी डबल बॉन्ड ओ एस सी ओ ए। ये है हमारा स्ट्रक्चर मेलोनाइल कोएंजाइम का। ठीक है, तो इस तरह से हमने दो रिएक्शंस देख ली, क्या क्या बन चुका है हमारे पास, एसिटाइल कोएंजाइम भी बन चुका है और मेलोनाइल कोएंजाइम भी बन चुका है। अब हम आगे के स्टेप्स देखते हैं, जो सबसे मेन स्टेप है जिसमें हमारा जो पूरा कॉम्प्लेक्स एंजाइम है वो क्रिया करेगा। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। यह रिएक्शन कहाँ से स्टार्ट होगी, एसिटाइल कोएंजाइम से स्टार्ट होगी। एसिटाइल कोएंजाइम का स्ट्रक्चर बनाती हूँ मैं, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ एस कोएंजाइम। इसका नाम क्या है, प्रोडक्ट का नाम है एसिटाइल कोएंजाइम। अब क्या होगा, पहली रिएक्शन होगी, इस रिएक्शन में एंजाइम है हमारा एसिटाइल कोएंजाइम, कोएंजाइम ACP ट्रांस एसिटाइलेज इस रिएक्शन में क्या जुड़ेगा, हमारा ACP जुड़ेगा, ACP जिसके साथ एक तरफ सिस्टीन जुड़ा हुआ होता है SH, ये जुड़ेगा और कोएंजाइम SH रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं किस प्रकार से ACP जुड़ रहा है। तो सबसे पहले ACP बनाती हूँ मैं, ACP सिस्टीन यहाँ पर से H रिमूव हो जाएगा और इस S के साथ आके क्या जुड़ेगा हमारा C डबल बॉन्ड O एंड CH3। हमारा कोएंजाइम यहाँ से रिमूव हो गया है तो हमने C डबल बॉन्ड O एंड CH3 को जोड़ दिया है कहाँ पर, ACP पे, जिस तरह से हमारे एंजाइम का नाम था कि एसिटाइल कोएंजाइम ACP ट्रांस एसिटाइलेज, हमें ACP पर एसिटाइल कोएंजाइम को ट्रांसफ़र करना था, हमने कर दिया। अब जो हमारा प्रोडक्ट बना है इसका नाम है एसिटाइल ACP। ठीक है, एसिटाइल ACP। आगे की रिएक्शन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट रिएक्शन कैटेलाइज कराता है हमारा नेक्स्ट एंजाइम। यहाँ पर अभी एंजाइम नहीं है, यहाँ पर देखिए क्रिया होगी, क्या क्रिया होगी, ट्रांसफर ऑफ एसिटाइल ग्रुप टू सिस्टीन। अब हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, हमारा ये सिस्टीन है, इसके साथ नीचे ACP है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा एसिटाइल ग्रुप था हम इसको सिस्टीन को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो सिस्टीन पे ट्रांसफ़र कर देते हैं C डबल बॉन्ड O एंड CH3 और यहाँ पर हमारा फिर से SH हो जाएगा। ठीक है, इतना होने के बाद ये प्रोडक्ट हमारा वही रहेगा, एसिटाइल ACP ही कहेंगे हम इसको। चेंज क्या हुआ है, ACP से हमने सिस्टीन पर इसको ट्रांसफ़र कर दिया है, अब यहीं पर हमारा आकर जुड़ेगा मेलोनाइल कोएंजाइम। मेलोनाइल कोएंजाइम का स्ट्रक्चर बनाती हूँ मैं, COOH प्लस बॉन्ड
CH2 C डबल बॉन्ड O एस को एंजाइम, ये है हमारा मेलोनाइल को एंजाइम। अब इन दोनों को जोड़ने वाला एक एंजाइम है जिसका नाम है मेलोनाइल को एंजाइम। ACP ट्रांस एसिटाइलेज हमारा सेकेंड वाला एंजाइम यहाँ पर काम करेगा और इस रिएक्शन में क्या होगा, एसीपी से मेलोनाइल भी आके जुड़ जाएगा। तो स्ट्रक्चर बनाती हूँ मैं, ये सिस्टीन, ये एसीपी, सिस्टीन पे ऑलरेडी क्या जुड़ा हुआ है हमारा, एसिटाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और अब हमारे एसीपी पे मेलोनाइल ग्रुप आके जुड़ जाएगा। ये भी इस तरफ से आके जुड़ेगा, कोएंजाइम बाहर हो जाएगा तो सी डबल बॉन्ड ओ सी एच टू एंड सी डबल ओ एच, इस तरह से मेलोनाइल ग्रुप आके जुड़ जाएगा और हमारा जो प्रोडक्ट है इसका नाम बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, एसिटाइल मेलोनाइल, क्योंकि दोनों आके जुड़ चुके हैं, एसीपी, एसिटाइल मेलोनाइल एसीपी। नेक्स्ट रिएक्शन हमारा नया एंजाइम कैटेलाइज कराएगा जिसका नाम है बीटा कीटो असाइल एसीपी सिंथेस। बीटा कीटो असाइल एसीपी सिंथेस, यह एंजाइम क्या करेगा, यहाँ से CO2 का एक मॉलिक्यूल बाहर निकाल देगा और CO2 का मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा हमारे पास, देख लेते हैं हम। सिस्टीन, एसीपी, यहां पर बनाते हैं हम सी डबल बॉन्ड ओ एंड सी एच टू तो एज इट इज। उसके बाद यहां से हमारा क्या रिमूव हो गया है, सी डबल ओ रिमूव हो गया है और जो हमारा सिस पे चिपका हुआ एसिटाइल ग्रुप था वो अब नीचे आ जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ एंड सी एच थ्री। तो इस तरह से यहाँ पर एस एच हो जाएगा फिर से और ये जो हमारा प्रोडक्ट बना है इसका नाम है बीटा कीटो असाइल एसीपी। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन। एक्चुअल में इसका नाम बीटा कीटो असाइल एसीपी क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो कीटो ग्रुप जुड़ा है ये कौन सी पोजीशन हो जाती है, हमारी बीटा पोजीशन है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे बीटा कीटो असाइल एसीपी। आगे के रिएक्शंस देखते हैं हम। अब हमारा प्रोडक्ट क्या था, बीटा कीटो असाइल एसीपी था। इसके आगे की रिएक्शन देखते हैं क्या होती है। नेक्स्ट एंजाइम जिसका नाम है बीटा कीटो असाइल एसीपी रिडक्टेज, बीटा कीटो असाइल एसीपी रिडक्टेज, यह एंजाइम यहाँ पर यूटिलाइज करेगा NAD pH प्लस H प्लस का और NAD यहाँ पर NADPH यहाँ से बाहर हो जाएगा। यहाँ पर यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी हो रहा है, जब
एनर्जी बनती है तो हाइड्रोजन रिमूव होते हैं, यहाँ पर एनर्जी खर्च हो रही है मतलब हाइड्रोजन आयन्स आके जुड़ेंगे। तो कहाँ जुड़ रहे हैं हम ये देख लेते हैं, सिस्टीन एसीपी, सिस्टीन पे एसएच ग्रुप ही है हमारा और एसीपी पे हमारा क्या था एस सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री। यहाँ पर हमारा सी डबल बॉन्ड होता है बीटा पोजीशन पे, तो यहाँ पर हमारा एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल आकर जुड़ेगा सॉरी यहाँ पर सी एच टू था सी एच थ्री और एक और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल हमारा यहाँ ओ के साथ आकर जुड़ जाएगा। तो इस तरह से क्या बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट, बीटा हाइड्रोक्सी एसिटाइल एसीपी। क्योंकि बीटा पोजीशन पर हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप आके जुड़ गया है इसलिए हम इस प्रोडक्ट का नाम क्या रख रहे हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एसिटाइल एसीपी। अब नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं हम, इस रिएक्शन के लिए हमारा नया एंजाइम है बीटा हाइड्रोक्सी एसिटाइल एसीपी डी हाइड्रेटेज। इस रिएक्शन में हाइड्रेटेज है मतलब H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। बता देते हो कहाँ से निकलेगा, एक HO तो यहाँ से दूसरा H ये टू में से निकलेंगे हम। तो इस तरह से यहाँ से हमारा वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। तो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनेगा सिस एसीपी सी डबल बॉन्ड एज इट इज, यहाँ से एक एच निकल जाएगा तो सी एच बचेगा, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगी क्योंकि वैलेंसी अब इनकम्प्लीट हो रही है, यहाँ भी सी एच एंड सी एच थ्री, ये अल्फा पोजीशन ये बीटा पोजीशन। ये जो प्रोडक्ट हमारा बना है इसका नाम है इनोइल एसीपी। ठीक है, अब आगे की रिएक्शन देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा एंजाइम है, नेक्स्ट एंजाइम का नाम है इनोइल एसीपी रिडक्टेज। ये एंजाइम भी एनएडी पीएच प्लस एच प्लस का कन्वर्जन कर देगा एनएडीपी में, मतलब फिर से हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से जुड़ने वाले हैं दो यहाँ पर। तो देखते हैं कहाँ पर जुड़ेंगे, सिस्टीन एसीपी यहाँ पर हमारा एसएच, यहाँ पर एस एज इट इज सी डबल बॉन्ड ओ बी एज इट इज, यहाँ पर जो सी एच था एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा सिंगल बॉन्ड हो जाएगी और दूसरा हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा तो ये भी सी एच टू हो जाएगा। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट हमारा बन गया। अब क्या होगा, ये जो हमारा प्रोडक्ट इतना बन चुका है इसका नाम क्या है, असाइल एसीपी। अब ये जो हमारा असाइल एसीपी है इसका ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसफर ऑफ सी चेन। अब ये जो हमारी चेन बनी है इसका ट्रांसफर हो जाएगा सिस्टीन पर, कैसे होगा, तो ये हमारा सिस्टीन ये एसीपी और यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ सी एच टू सी एच टू
CH3 ये ऊपर चला गया और यहाँ पर SH बचा, ये भी प्रोडक्ट का नाम वही रहेगा असाइल ACP। अब क्या होगा, यही वाली जो रिएक्शन है हमारी, यहाँ तक की रिएक्शन जहाँ पर असाइल ACP बन रही है, ये रिएक्शन जो कि हमारा रिएक्शन नंबर सेकंड से स्टार्ट हुई थी और रिएक्शन नंबर ये हमारी सिक्स्थ चल रही है, तो रिएक्शन नंबर 2 से रिएक्शन नंबर 6 तक की जो रिएक्शन है वो कितनी टाइम्स होगी, 6 बार होगी, है ना। ये कितने टर्न में होगी, 6 टर्न में होगी, जिससे क्या बनेगा अब हम देखते हैं। क्यों होगी, क्योंकि अब हमारा इतनी लंबी चेन तो बन चुकी है, अब फिर से ये हमारा जो प्रोडक्ट है ये कहाँ चले जाएगा, हमारी सेकेंड वाली स्टेप में। चलिए पीछे चल के एक बार देखते हैं सेकेंड वाले स्टेप में कहाँ जा रहा है। ये थी हमारी सेकेंड स्टेप, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से जो हमारा मॉलिक्यूल है वो आके जुड़ जाएगा, ऊपर तो हमारा सिस्टीन पर तो हमारा जुड़ा हुआ ही है, नीचे ACP पे फिर से हमारा क्या जुड़ जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम जुड़ेगा, फिर उसका ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, फिर मेलोनाइल कोएंजाइम, मतलब यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट है वो जुड़ेगा। रिएक्शन नंबर सेकेंड जो है हमारी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो हमारा जो ब्लैंक ACP आया है उस पर क्या जुड़ जाएगा, यही दोनों प्रोडक्ट जुड़ के यहाँ जुड़ जाएंगे, फिर आगे की रिएक्शन होगी, फिर ये वाली पूरी रिएक्शंस होगी और यहाँ पर फाइनली जब हम आएंगे तो इस प्रकार से ACP के साथ ये वाला स्ट्रक्चर रहेगा और इस स्ट्रक्चर को साथ को यहाँ ऊपर वाले स्ट्रक्चर के साथ जोड़ दिया जाएगा। यही प्रोसेस बार बार चलती रहेगी, चलती रहेगी, कितनी बार चलेगी, 6 बार ये रिएक्शन होगी और फाइनली हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा, मैं उसका स्ट्रक्चर बनाती हूँ कैसे बनेगा हमारा प्रोडक्ट। ये हमारा सिस्टीन, ये हमारा ACP, पूरा 6 टर्न हो गया हमारा, सिस्टीन अब खाली हो जाएगा और सारा जो भी प्रोडक्ट बना है वो नीचे की ओर ट्रांसफर हो जाएगा, तो सी डबल बॉन्ड हो तो ऐसे ही रहेगा। उसके बाद जो हमारा CH2 था वो 6 रिएक्शन में, चूंकि CH2 दो दो मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं तो टोटल कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे हमारे यहाँ पर, सॉरी 13 हो जाएंगे, दो तो पहले से बने थे, 6 रिएक्शन में कितने हो जाएंगे, 13, फिर CH2 देन CH3, तो इस तरह से हमारा प्रोडक्ट बनेगा। इस प्रोडक्ट का नाम भी क्या है, असाइल ACP। बस चेन लंबी हुई है, प्रोडक्ट तो हमारा वही है ना, 6 टर्न हुए थे तो यहाँ पर ये 13 टाइम्स हो गया हमारा, क्योंकि 2 ऑलरेडी थे यहाँ पर। अब आगे देखते हैं, एक लास्ट रिएक्शन बची है, उस लास्ट रिएक्शन में जो हमारा एंजाइम है उसका नाम है असाइल थियो एस्टरेस। ये एंजाइम यहाँ पर H2O जोड़ेगा, वाटर मॉलिक्यूल को जोड़ेगा और क्या होगा, इस रिएक्शन में हमारा जो ACP और सिस है वो यहाँ से अलग हो जाएगा, तो हम इसको अलग कर देते हैं, सिस एंड ACP को यहाँ से अलग कर दिया हमने, ये SH SH इनका हो गया और हमारा जो प्रोडक्ट बना है वो अलग टूट जाएगा। कैसे, हम इसको अब इस तरफ से लिखेंगे, CH3 CH2 CH2 13 टाइम्स, एंड जो हमारा वाटर का मॉलिक्यूल्स आया था वो यहाँ पर जुड़ जाएगा, COOH, ठीक है। CO तो हमारे पास ऑलरेडी था, OH जुड़ा है और एक H हमने इसको दे दिया वाटर का, तो इस तरह से ये वाला जो हमारा प्रोडक्ट बना है ये क्या है, हमारा पाल्मिटिक एसिड। तो इस तरह से ये रिएक्शन चलती जाती है और इसमें क्या बना लास्ट में, पाल्मिटिक एसिड। हमने यहाँ पर किसका मैन्युफैक्चरिंग देखी, पाल्मिटिक एसिड की, या सिंथेसिस देखा पाल्मिटिक एसिड का, कि इस तरह से पाल्मिटिक एसिड बनता है। तो
यहाँ पर हमारी ये रिएक्शन खत्म होती है। हमने देखा कि किस तरह डिनोवो सिंथेसिस पाथवे के थ्रू पाल्मिटिक एसिड का निर्माण होता है। तो ये था हमारा डिनोवो सिंथेसिस पाथवे। ओके, बाय बाय।